टॉप टेन मोस्ट रेपूटेड जॉब इन इंडिया डॉक्टर टीचर सिविल सर्वेंट साइंटिस्ट इंजीनियर लॉयर पुलिस ऑफिसर और आप क्या कर रहे हैं सो so, आज लोग क्रिएटर्स जब जब थोड़े व्यूज कम आते हैं तो यूजली लोग मैसेज करते हैं कि इस क्रिएटर का करियर खत्म हो गया सारी चीजें हो गई लेकिन हम थोड़ा सा ना कैलकुलेट वर्क नहीं करते इसलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि क्या क्रिएटर वाकई करियर खत्म हो जाता है थोड़ा समझिए उन चीजों के ऊपर कैसे समझना है जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखिए भारत में कोई सा भी जॉब ले रेपुटेड जॉब जितनी भी मानी जाती है चाहे वो डॉक्टर हो टीचर हो कोई प्रोफेशन हो सिविल सर्विस में हो कोई साइंटिस्ट रिसर्चर बनना हो इंजीनियर हो लॉयर हो पुलिस की जॉब हो कोई सा भी जॉब अगर आप देखें आज के टाइम पे तो इन सारे जॉब्स में इन सारे जॉब्स में तकरीबन मिनिमम मिनिमम फोर इयर्स तो लगता ही है भाई चार साल पूरी मेहनत करोगे तब जाके आपकी एक सैलरी शुरू होगी और पैसा बनता है मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं जितने भी जॉब्स हैं इनमें आज मोदी जी आके अनाउंसमेंट कर दे कि आप सब देश के लिए काम कर रहे हैं बस आपको खाना मिलेगा और आपको घर वाले को खाना मिलेगा आप सब नौकरी करिए मैं गारंटी देता हूं कि इन सभी में से ना 99.9 लोग जॉब छोड़ के दूसरा काम करेंगे इसका मतलब एक बात तो राइट है कि जीवन का सिद्धांत है पैसे कमाना और उस पैसे से अपनी आसपास की जिंदगी के जो ऐशो आराम है वो इंसान करना चाहता है हर कोई करना चाहता है इसमें कोई डाउट नहीं है और ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं हर प्रोफेशन में बहुत पैसा है डॉक्टर भी पैसा कमाते हैं टीचर भी कमाते हैं सिविल सर्विस में भी बहुत पैसा है नाम शोहरत लोग घूमते हैं गाड़ियां लेके पावर आ जाती है है ना साइंटिस्ट में बहुत पैसा है इंजीनियर बहुत पैसा कमाते हैं लॉयर है अलग अलग पुलिस ऑफिसर ये भी पैसा बनाते हैं हर कोई पैसे बना रहा है अपने तरीके से बट भारत में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनको लोग अछूत मानते हैं बेकार मानते हैं ये समझ लो मतलब माँ बाप तो ध्यान ही नहीं देते आज सुबह ही मैं किसी से मिल रहा था वो बहुत बेकार कह रहे थे कि अरे बेकार है इतने लाखों रुपए खर्च करे पहले ये काम करिए बेकार है क्यों ऐसा क्यों मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी भी जो arts, commerce, science, आप तो arts वाला न, science वाला ना 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 को बेकार समझता है है अरे ये हाल है। Minds, अच्छा हम हम लोग इतने तब हम जानते हैं लेकिन आप क्लास लेवल पे चले जाओ ना कि बच्चा अभी हुआ है राइट या बच्चा अभी हुआ है लेते उसने साइंस लिया ना वो बहुत प्राउडली कहता है कि मैंने science, science वाला थोड़ा ले, ले, दबा देते हैं लोग है, है, मीडियोकर है, आज आपको बता सकता हूं इतने करियर काउंसलर सात साल डिजिटल में बैठने के बाद इतने लोगों से मिलने के बाद मैंने कई सीए को देखे हैं अपना प्रोफेशन बदलते हुए कई मैंने कंप्यूटर uh, साइंस के बच्चों को देखा है मार्केटिंग में आते हुए कई मैंने अलग अलग प्रोफेशन को देखा है लॉयर बनते हुए तो हर कोई कोई कुछ भी बन सकता है जब तक आपको पूरी हर चीज़ की जानकारी ना हो मैं सिंपल कहना चाहता हूं ये सारी चीजें ये सारे प्रोफेशन एक स्किल में बदल सकते हैं अगर आप जीवन में इसको बड़ा बनाना चाहें ये सारे एक स्किल है यार ये एक स्किल है अगर आपको लॉयर की नॉलेज है आप कहीं कोई फर्म में जाके बैठ के चार काम ना करके आप लोगों को एडवाइजरी चालू करना कर, शुरू कर दीजिए लोगों की हेल्प शुरू करना कर दीजिए डिजिटल में कैमरा उठा के वीडियोज़ बनाना शुरू कर दीजिए इसमें पैसा है बट लोग सोचते हैं नहीं क्रिएटर का मतलब सिर्फ इतना है आज के डेट में वही कहना चाहता हूँ अगर आप देखें मेरे हिसाब से आज के डेट में देखें तो ये क्रिएटर है मतलब आप सोचो अरे मान लिया हम डॉक्टर लॉयर इंजीनियर नहीं बन पाए है ना ये पर्सन डॉक्टर लॉयर इंजीनियर नहीं बन पाया लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि शायद एक डॉक्टर एक लॉयर इंजीनियर भारत में बहुत सारे होंगे उनसे कतई किसी भी चीज में कमी नहीं होगी मेरे पास चाहे नाम में प्यार में सम्मान में हर चीजों में तो क्यों किसी का रोना कि यार मुझे जीवन में यही बनना था है ना और ये नहीं बनना था तो क्रिएटर जो है वो तीन दिन के अंदर ही बनना है तीन दिन के अंदर नहीं बने तो इसका करियर बेकार है एक साल में अगर मेरे व्यूज मिल गए तो किसी क्रिएटर का करियर खराब है ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं आप सोचो ना कि एडिटर अगर आपने मुझे बताया ना हमने इतने एडिटर्स अपने यहां से बना दिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थ्री मंथ मन लगा के डेली डी ए आई एल डेली अगर आपने टू आवर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी सिर्फ तीन महीने तक लगातार दो दो घंटे वीडियो एडिटिंग सीख ली तो आप भारत के टॉप वन परसेंट एडिटर में आ जाओगे ये मैं वादा करता हूं अगर मैं झूठ बोलूं तो आज के बाद मैं महात्मा जी टेक्निकल में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा वैसे भी आप लोग कह रहे हो उधर वो हो चुका है तो आज के बाद छोड़ दूंगा चैनल वीडियो बनाना लगातार तीन महीना डेली के दो घंटे दे दो एडिटिंग में सिर्फ दो घंटे दे दो इंडिया के टॉप वन परसेंट एडिटर में ना है, तो मैं नाम बदल दूंगा ये मैं कह सकता नहीं बैठ पाते न, है। तीन महीना नहीं दे रहे और एक जीवन काल में हम इसमें से सक्सेस रेशियो आप देखो तो मात्र तीन परसेंट लोगों की है नाइनटी लोग आज कहां है आज कहीं और कुछ काम ढूंढ रहे हैं इतना सारा समय बर्बाद बात करके आप जान के हैरानी होगी यार एक गवर्नमेंट जॉब जो, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तीस लाख लोग फॉर्म भरते हैं आप सोचो मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं अब आप, आप सोचो कि भारत में एक जॉब्स के लिए तीस लाख तीस लाख जॉब की फॉर्म की वैकेंसी भर, भरी जाती है और जॉब कितनी है जॉब्स आर लेफ्ट ओनली दस हजार मतलब उनतीस लाख नब्बे हजार लोग बेरोजगार रहेंगे बात राइट है एग्जाम हुए तो इतने लोग बेरोजगार हैं उसमें फिर भी तीस तीस लाख लोग फॉर्म भरते हैं आप सोचो ये जानते हुए कि हमें से सिर्फ दस हजार लोगों को ही जॉब मिलेगी हम सब बेरोजगार हो जाएंगे मास्टर जो एस एस एग्जाम की एकदम दवा के पढ़ाई करता है भर भर के मोटिवेशन देता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई के लिए उठो लगे रहो सोलह सोलह घंटे पढ़ो वो ये जानते हुए किसी इसमें से सिर्फ इस दस हजार बच्चा निकलेगा बाकी सब फेल होंगे किस आधार पे? क्या उनके अंदर लाइक प्रतिभा की कमी थी नहीं जॉब ही दस हजार है प्रतिभा कूट कूट के भरी है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलेगी वो रहेगा बेरोजगार और मैं बता देता हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना मेंटली इंसान घुस जाता है कि वो स्किल वाली जॉब कर ही नहीं पाता है उसको लगता है जिंदगी भर ये किताब ये ज्योग्राफी यही रीजनिंग यही इंग्लिश यही पढ़ता हूँ अब जिंदगी भर इसके अलावा मेरा कोई चारा नहीं है मैंने कर जितने भी स्टूडेंट से मिला हूं सबके दिमाग में फंसा रहता है क्योंकि वो एक अलग रास्ते में चला जाता है उस रास्ते में बस एक ही ऑप्शन दिखता है आज के टाइम पे वो भी हमारे स्किल की वजह से है कि डिजिटली उसको पढ़ाने का मौका मिल जाता है ये स्किल है एक पूरा नहीं तो अगर ये ना हो तो सच में बहुत से बच्चे बुरा हाल जिंदगी जी रहे होते हैं तो मैं सिंपली आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए पूरा जान दे दे रहे मैं इसको बुरा नहीं कर रहा अपनी जगह जैसा चल रहा है जैसा चलने दीजिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हम डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ये सब ना बन पाए तो ये स्किल अगर हम अडॉप्ट करें और मात्र एक से दो महीना जीवन के दे और उसमें भी आप दो महीने देने के बाद अगर तीन महीने देने के बाद आप क्रिएटर अच्छे इसमें क्या ना दिक्कत है एग्जाम एक्जा, नहीं होता है इसमें तीन महीने बाद आपको काम नहीं मिला तो आपको लगता है बेकार है अरे चीजें क्यों नहीं होंगी मैं बता रहा हूं आज के रेट में एडिटर की ग्राफिक डिजाइनर की कंटेंट राइटर की अरे चैट जीपीटी चलाने वाले की जो प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं ना उसकी इतनी भारी कमी है ना मैं आपको क्या बताऊं आप मार्केट में आइए लोग आपको तुरंत उठा लेंगे क्यों आपके अंदर स्किल है बट आपके अंदर स्किल ही नहीं है लेकिन आप स्किल नहीं लिए बट आपको जॉब चाहिए हजारों लोग मुझसे पूछते हैं अमरीश कोई जॉब हो तो बताना क्या काम है अरे कुछ भी कुछ भी क्या होता है एक स्किल सीख लीजिए ना क्रिएटर की करियर कभी खत्म नहीं होगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं जितने भी लोग समझ पा रहे हैं यहां से ये चीजों को अगर समझ भारत में अभी आठ करोड़ क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को अकाउंट बना चुके हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हर जगह उसमें से डेढ़ लाख लोग जो है पैसा बनाते हैं डेढ़ लाख तकरीबन ये पॉइंट करीब हुआ आप बोलेंगे सर सक्सेस रिश्सो बहुत ही खराब है खराब सक्सेस रेशियो नहीं है उनको समझ ही नहीं है पैटर्न ही नहीं है आप एक क्रिएटर में आप देखो ना क्रिएटर में बहुत सारी स्किल्स है अगर मैं अपने आप को क्रिएटर मानता हूं तो क्या क्या, -क्या मेरे अंदर स्किल है आप देखोगे सबसे पहला स्किल क्या हुआ सबसे पहला कैमरे पे वीडियो बनाने का एक कैमरा फेस करने का कोई भी चीज रिकॉर्ड करने का आज मैं अपना कंटेंट बना रहा हूं कई मैं कंपनीज के लिए वीडियो बना रहा हूं जहां लाखों पैसे में लेता हूं पहला स्किल हो गया कैमरे पे वीडियोज बनाना मतलब एक एंकरिंग की स्किल आ गई दूसरा जैसे ही वीडियो बना उसकी एडिटिंग होगी एडिटिंग स्किल आनी चाहिए तीसरा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई उससे पहले कंटेंट भी तो लिखना होता है कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हो गई जैसे आपने करा फिर एक एस स्किल्स देख YouTube पे वीडियो मैनेजमेंट करने का एक वो पूरा स्किल्स आ गया मेरा कहने का मतलब है आपके अंदर चार पांच ये स्किल्स आ गई ये चार पांच स्किल्स ही आपने सीख ली मोटा पैसा है सोशल मीडिया मार्केटिंग आज इंडिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बाहर से लाखों रुपए कमाते हैं घर बैठे और मैं एक लाइन आज कह देता हूँ बीवी को अभी चल रहा है ना उसका चल रहा है कि एसडीएम को बीवी बनाई बीवी ने उसको छोड़ दिया दस साल पढ़ाया उसने तो भैया देखो कितना बढ़िया प्रोफेशन है यूट्यूब का आज जितनी महिलाएं घर में बैठती हैं हर एक का मन रहता है कि उसके पति से कि भैया हम एस तो नहीं बन पाएंगे लेकिन हमें यार सिलाई का काम सिखा दो हमें यार थोड़ा सा कुकिंग का क्लास सिखा दो आज जितने भी पति सुन रहे हैं मैं तुम्हें साफ बता देता हूं कान खोल के ना बनाओ है यूट्यूबर जरूर बना देना क्योंकि घर बैठे वो लाख रुपए कमा सकती है और इसमें घर बैठने वाला तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा लगता होगा तो सोचो आज खान सर ने डाला था ना कि नब्बे की तिरानवे लोग ले गए है ना पी ब्लैक बैच से तो सिंपल सी बात है भाई हर एक को डर लगता होगा यार हर बंदे को लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा करियर कितना बढ़िया है यूट्यूब का करियर क्रिएटर वाला कि आप घर बैठे आज मैं कहां बैठा हूं अपने घर पे बैठा हूं अपना स्टूडियो बना रखा है वीडियोस बनाता हूं आज आप लोगों तक पहुंच गया हूं लाखों वीडियो चल रही है और ठीक ठाक भगवानी कृपा से अच्छा पैसा आ रहा है जिससे तीस चालीस लोगों की टीम घर परिवार सब मैनेज हो रहा है तो, तो दिस इज अन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इसमें दो साल लगे तीन साल लगे देते रहो ना यार हर एक में मेहनत चाहिए इसमें भी मेहनत चाहिए बट मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप तीन महीना अरे ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ तीन महीना लगातार डेली आप एक चेकलिस्ट बनाओ और चेकलिस्ट से मेरे को याद है आएगा चेक लिस्ट बनाओ तीन महीना आप इंडिया के टॉप वन परसेंट स्किल बंदों में हो गए मैं गारंटी देता हूं और इन चीजों के लिए हमने एक नई जो जो चीजें भी लेके आए हैं जो मेरा सिलेबस है वीक वन वीक टू वीक थ्री एंड वीक फोर एक मंथ का ओनली वन मंथ का सिलेबस है ये जहां पे सात क्लासेस होती है प्रॉपर वे में एवरी वीक जहां हमने पूरा यूट्यूब की ट्रेनिंग दी है पूरा जो सिलेबस आप चार वीक देख रहे हैं सिर्फ एक महीने तीस दिन 30 दिन जो मैराथन है सिर्फ 30 दिन की ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं 30 डेज कंटेंट जिसमें उसके बाद दो लाइव क्लासेस मेरी मिलेंगे अमरेश भारती और वीडियो भी मेरी ही है उसके बाद एक असाइनमेंट उस असाइनमेंट में आपके 80% मास आ गए ना क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता ये मैं गारंटी देता हूं आप मेहनत तो करिए 30 दिन लगातार 30 दिन लगातार आपने मेहनत कर दी तो क्रिएटर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता कि हमारा थर्टी डेज यू मास्टरी कोर्स ये हमने लॉन्च करा है जुलाई में आज जो आप वीडियो देख रहे हैं महात्मा जी में पहली वीडियो हमने लॉन्च कर दी है इसकी इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है मेरी बहुत मेहनत बहुत सिक्योर करके मैंने बनाया कि लोगों को कम चीजों में ज्यादा स्किल सीखने को मिले और ये चीज जो है वो सबसे बेटर है थर्टी डेज यूटी मास्टरी कोर्स हमने वीमेक पेस्टरडे लॉन्च कर दिया था बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं पांच का ये कोर्स है जिसमें मेरा अच्छा खासा बीस परसेंट का प्रॉफिट है लेकिन सिर्फ पच्चीस इंक्लूडिंग जीएसटी है ध्यान रख लेना इसमें जीएस

अगर इसके लिए इन्वेस्ट करना है नॉट इवन दिस कोर्स आपको जो पर्सन लगे कि भाई ये एडिटर मुझे अच्छा सिखाएगा उससे सीखे सीख के आना एक महीने बाद 2023 ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सोचो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत में यंग लोग हैं ऐसी इकोनॉमी है जो ब्लास्ट करेगी सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले यहां लोग हैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग यहां लोग हैं सबसे कम लेबर कॉस्ट यहां पे है भारत की आने वाले पंद्रह साल का करियर ऊपर की तरफ है शेयर मार्केट से लेके हर इकॉनमी हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हर इंडस्ट्री मैन पावर आपके अंदर वो स्किल है तो आएगा दो सिर्फ लर्निंग पे दे दो चौबीस अर्निंग बन जाएगा आपका ये मैं गारंटी देता हूं तो यह हमने सिर्फ 31 जुलाई थर्टी जुलाई तक का हमने लास्ट डेट दिल, दिला हुआ है 2500 का कोर्स होगा मैं गारंटी देता हूं उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी बट यह भी 2500 में आपका सोचना है कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा चार ऐसे जबरदस्त बोनस है जो समझिए कोर्स फ्री हो गया आपका पूरा पहला टाइम मैनेजमेंट का पूरा एक मैं आपको पैटर्न दूंगा जो हमने कल अपने बच्चों को दिखाया भी था दिखाइए जरा वो हमारे पास पड़ा हुआ है पूरा ये टाइम मैनेजमेंट का पूरा शेड्यूल है ये पूरा देखिए डेली शेड्यूल ये आपको मिलेगा प्रॉपर जिसे आप डाउनलोड करके अपना डे शेड्यूल कर पाएंगे तीस दिन बहुत ज़रूरी और ये ये पूरा मैनेजमेंट जो मेरा जो मेरा ये अपना मेथड है जिसे हमने कई यूट्यूबर्स बनाए हैं ये पूरा आपको जो है आ, मिलेगा जिसकी कॉस्ट मैंने ज़्यादा नहीं रखी है हज़ार

इंस्टाग्राम का रील वीडियो जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं यहां पे दिखाइए एआई की वीडियोस आपको सिर्फ मिलेगी उन्हीं बच्चों को यह सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो 30 से पहले इनरॉल करेंगे उसके बाद के बच्चों को रील नहीं देंगे हमने पूरा एक साल का रील वाला जो वीडियो है वो आपको फ्री में दे रहे हैं आई की वीडियोज है आप कभी इंस्टाग्राम पे यूज करिए हर जगह जो आप देख पा रहे हैं अभी अलग अलग रील्स ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो दीज य चार हजार रुपए की वैल्यू की चीजें मैं आपको बोनसेस में दे रहा हूं जो कि सिर्फ इकतीस तारीख को मिल रही है जितने भी लोग इनरोल कर रहे हैं इकतीस जुलाई तक इनरोल करेंगे आप समझिए कि कितनी बेस्ट चीज है ये तो टू बिकम अ यूट्यूबर दोस्त ज्यादा समय नहीं है मैं बार बार कहता हूं कि स्किल कभी आपको भूखा मरने नहीं देगा आज मैं छोड़ भी दू ना सारा कुछ अपनी स्किल के बदौलत महीने का लाख दो लाख तीन लाख चार लाख रुपए कहीं से भी कमा रहा भारत के कोई से लेकिन था आज भी मेरी कंसल्टिंग सोचो मैंने सोचा था कि मैं लोगों को जूम पे ज्ञान दे के लाख रुपये कमा सकता हूँ दस दस लाख रुपये कमा सकता हूँ पॉसिबल ही नहीं लेकिन आज वो सारी चीज़ें पॉसिबल है मैंने सात साल दिया इस इंडस्ट्री को आप कम से कम एक महीना तो दीजिए एक महीना मन से दीजिए मेरे तहत में एक महीना दीजिए लाइव क्लास में जब आपसे मिलू ना तो आपको लगे कि नहीं यार इस बच्चे ने सीखा एक महीना आप दे दीजिए मन से मैं गारंटी देता तो हूं आप जॉब गोइंग है ना कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं छोटा व्यापार बिजनेस है सबके लिए ये कोर्सेज है पूरा प्लैंड तरीके से मेहनत से करा गया है अगर आपने ये कर लिया ना तो कोई माइकल आर आपको रोक नहीं सकता डिजिटल में आगे बढ़ने से तो बस यही कहना चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा तो जितना भी कुछ है जो तो नंबर आपको गिवन है काउंसलर से बात करके नहीं तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने उसका सीधा क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं थर्टी जुलाई लास्ट डेट है इसका धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत